Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is a different kind of school. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो स्कूल होते हैं, जैसे पीरियड्स होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं रेगुलरली पढ़ते हैं. परंतु जो मिस बीम का जो स्कूल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उनका स्कूल क्या था? डिफरेंट. अब किस बिहाव पे वो डिफरेंट था कि वहाँ पे हम क्या करते थे, मिस बीम के स्कूल में, जैसे ऑथर ने बताया था कि उन्होंने बहुत मिस बीम के स्कूल के बारे में जो है सुना था, और एक उन्हें क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला वहाँ जाने का, और उन्होंने वहाँ देखा कि मिस बीम के स्कूल में किस तरह से जो है हमारे स्कूलों के से डिफरेंट जो है, वहाँ लाइम डे, लेम डे मनाया जा रहा है, लंगड़ा होने का दिन मनाया जा रहा है, किस तरह से ब्लाइंड डे, डम डे, इंजर्ड डे, किस तरह से जो है अलग अलग जो है उनको वैल्यूज़ बताई जा रही थी, लाइफ की वैल्यूज़, कि किस तरह से अगर कोई फ्यूचर में इंसिडेंट होता है या मिसफॉर्चून होता है तो कैसे उसको तो जो है तुम हैंडल करोगे. तो ये सारी शिक्षा जो है वहाँ पे बताई जाती है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. ऑथर, दिस इज ओनली हर लेम डे, क्योंकि उस दिन क्या था, उसका लेम डे था. कि मतलब पूरे सेशन में क्या होता था, एक दिन जो है उनको लेम डे बनाते थे, एक दिन ब्लाइंड डे था, एक दिन इंजर्ड डे था. तो इस तरह से अलग अलग दिन जो है उनको प्रैक्टिस कराते थे कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हाउ टू फेस दैट प्रॉब्लम. तो उन्होंने कहा, अरे वो हंसने लगी, नहीं नहीं भाई, वो ब्लाइंड, वो लेम नहीं है, उसका आज क्या है, लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर. अब वो कहते हैं कि और भी जो बच्चे हैं जिन्होंने बैंडेज बांधी हुई है, पट्टी बांधी हुई है, वो भी क्या है, ब्लाइंड नहीं है. इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे. और आज जो है उनका क्या है, ब्लाइंड डे है. किसी का जो था लेम डे था, किसी का क्या था, ब्लाइंड डे था. I must have looked very surprised. अब author कह रहे हैं कि उनको जो है बहुत ज्यादा आश्चर्य, हमें भी लगता है ना कि हमारी आंखें हैं और फिर भी हम जो है ब्लाइंड बन के जो है वर्क कर रहे हैं, या लेम है तो हम लेम बन के जो है एक्ट कर रहे हैं. तो वो ही वॉज वेरी सरप्राइज, फॉर शी लाफ्ड अगेन, और फिर जो है वो हंसने लगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. अब मिस बीम कहने लगी कि ये जो है हमारे सिस्टम का, जो हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, पार्ट है. क्या पार्ट है, कि लेम डे बनाना, ब्लाइंड डे बनाना, क्या है, इट वॉज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. कि हमारी शिक्षा पद्धति, जो हमारे स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, उसका जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. To make our children appreciate and understand misfortune. अब वो बताने लगे, मिस भीम बताने लगे कि हम वाई भी की क्यों हम लेम डे मनाते हैं, या वाई भी सेलिब्रेट ब्लाइंड डे क्यों मनाते हैं. तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं क्या करें, मिसफॉर्च्यून मीन्स कि अगर कोई भी जो है बैड लक हो जाता है, या कोई हमारे पास जो है क्या होते हैं, अनफॉर्चुनेट जो है कंडीशन आ जाती है, दुर्भाग्य से होता है ना, कि अगर इतनी लाइफ है और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, हम कोई भी जो है घटना घट सकती है, उसको यहाँ बोला हुआ मिसफॉर्च्यून, अनफॉर्च्यून क्या है, कंडीशन, अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक. अगर हमारा कभी बैड लक है और हमें इस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाए, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू. और हम जो है उनको जो है इस तरह से जो है सिखाते हैं कि कभी जो है इन फ्यूचर के आपको जो है फेस करना पड़े तो किस तरह से आप हैंडल करेंगे. एट द टाइम ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. अब जो पूरा टर्म चलता है, जैसे आपको चलता है ना फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो जो पूरा टर्म चलता है तो एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. कि एक बच्चे का जो है एक दिन जो है ब्लाइंड डे होगा, एक दिन क्या होगा, लेम डे होगा, लंगड़ा बनना पड़ेगा. एक्चुअल में देवन क्या है, वो दे आर नॉट लेम, वो लेम नहीं है, बट एक्टिंग करेंगे लेम की, तो लेम डे बनाएंगे. ऐसे ब्लाइंड डे बनाएंगे कि एक्चुअली में दे आर नॉट ब्लाइंड, बट दे आर बिहेव करेंगे कि हम जो है क्या है एक्ट करेंगे कि ब्लाइंड है. तो दैट इज क्या होता है उनका ब्लाइंड डे.
लेम डे एंड वन डफ डे, बहरा होने का, कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, डफ डे। आगे समझ में बच्चों कि ईच टर्म, हर टर्म में जो है हर बच्चे को जो है एक दिन ब्लाइंड बनना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक दिन लेम डे होता है, एक दिन डफ डे होता है, और एक दिन जो होता है इंजर्ड डे एंड वन डम डे। एक दिन क्या होता है, गूंगा बन के, ठीक है, एक दिन जो है इंजर्ड, चोट लगी है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 days तो इनके चले गए कि एक दिन हम ब्लाइंड डे बनेंगे, सॉरी ब्लाइंड डे बनाएंगे, एक दिन लेम डे बनाएंगे। तो हर बच्चा बनाएगा, ये नहीं कि कुछ बच्चे, एवरी चाइल्ड लेम डे, डाफ डे एंड इंजर्ड डे एंड वन इज डम डे ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे। अब जब ब्लाइंड डे होता है, देयर आईज आर बैंडेज्ड, अब उनके आंखों को क्या कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, पिक्चर में, कि उनकी क्या कर रहा है कि पट्टी बांध दी गई है, देयर आईज, दे आर क्या कहते हैं उनको, ब्लाइंड फोल्डेड, क्या कर, बैंडेज मीन्स ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब उनको ब्लाइंड बना दिया जाता है पट्टी लगा के, एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन द ऑनर नॉट टू पीप, और उन्हें बता दिया जाता है कि पीप नहीं झांकना। ये होता है ना कि पट्टी, और बच्चे यूं यूं करते हैं कि अरे हमें नीचे से देख लें, कुछ पीप कर लें, झांक लें, तो उनको जो है बताया जाता है कि क्या करना है, तुम्हें झांकना नहीं है, पीप नहीं करना है इसमें से, पट्टी में से, ठीक है। देयर आईज आर बैंडेज, मतलब पूरा कंप्लीटली टाइटली जो है उनको बांध देते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी ना दिखाई दे। द मैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। अब जो पट्टी जो आंखों में बांधते हैं, वो कब बांधते हैं, वन डे बिफोर, मतलब पहले रात को जो है पट्टी जो है उनके आंखों में बांध देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठे तो कैसे उठे, ब्लाइंड। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीवन, इसका मतलब क्या है कि दे नीड, उन्हें किसकी जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, हर काम में किसकी है, हेल्प की जरूरत है, एवरीथिंग, क्योंकि शुरू में तो प्रैक्टिस नहीं होती जब हम बैंड, परंतु धीरे धीरे जो उनको प्रैक्टिस देंगे तो वो जो है कैसे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे जब स्टार्टिंग में ऑथर आए थे तो उन्होंने क्या देखा था कि एक लड़की जो है 4-5 years का जो लड़का है जो उसको घुमा रहा है कहाँ पे, फ्लावर बेड्स पे, फूलों की क्यारियों में, तो उनको जो है वो प्रैक्टिस दिलाई जा रही थी कि जिस अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो हाउ टू हैंडल इट। तो यहाँ पे भी जो है दे वेक ब्लाइंड, दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और उनको जो हेल्प की जरूरत होती है, तो कौन लोग हेल्प करते हैं, अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग, जो और बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको क्या करते हैं, लीड करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड भी सीखते हैं और हेल्पर भी सीखते हैं, कि कभी कोई ब्लाइंड आए तो उन्हें किस तरह से जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा काम है ना कि अगर कोई ब्लाइंड जा रहा है तो आपको हेल्प करनी। तो ये चीजें कहाँ सिखाई जाती थी, मिस भीम के स्कूल में, तो दैट इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, इसीलिए जो है वो अदर स्कूल से जो है डिफरेंट था, क्योंकि वहां पे जो है क्या सिखाया जाता था, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से जो है बहुत चीजें सीखते थे, ब्लाइंड भी सीखते थे एंड द हेल्पर्स जो उनको हेल्प करते थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। अब जो है उन्होंने जो है शुरू करा, अपना बोलना शुरू करा, मिस्ट्री मैंने पेनफुल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये कोई जो है पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज नॉट ए पेनफुल एक्सपीरियंस, मिस बीम कंटिन्यूड, और वो लगातार जो है कंटिन्यू बोल रही थी, शी इज कंटिन्यूइंग, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, कि एवरीवन इज वेरी काइंड, सब लोग जो है काइंड है, और उन्होंने कहा इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये एक जो है खेल की तरह, मतलब खेल खेल में जो है वो हम काफी चीजें जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि हर काम के लिए जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और दूसरे बच्चे जो है उनकी हेल्प करते हैं, और जो है ब्लाइंड होते हैं उनके भी हेल्प, वो भी कुछ सीखते हैं, और दूसरा कौन सीखता है, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि इस तरह के जो है खेल में
मतलब एक तरह का क्या है, ये गेम है, इट इज अ क्या है रियली अ गेम, और इट इज अ टाइप ऑफ गेम, और जिसमें जो है कोई भी जो है कष्ट नहीं है, पेन नहीं है। खेल, खेल में जो है इस तरह की जो है खेल में जो है कोई भी पेन नहीं है, नो पेन इज देयर। और वो कहते हैं कि प्रत्येक जो है इसमें एवरीवन इज काइंड, कि मतलब ये नहीं है कि फोर्स कर रहे हैं उस पे, खुश होके जो है वो एक्सेप्ट करते हैं इस तरह से मतलब काम करना के करने के लिए। इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम बिफोर द डे इज ओवर, और जब जो है डे ओवर होने लगता है, ढलता है, तो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट फॉर्च्यून इज। पूरे दिन, पहली रात को जो है जैसे उनके आंखों में पट्टी बांध दी, पूरा दिन वो जो है इसी तरीके से जो काम करते रहते हैं, और जब जब दिन ढलने लगता है तो तब तक जो है उन्हें क्या होता है, थॉटलेस, थॉटलेस मीन्स केयरलेस चाइल्ड जो है जो इस तरह से वर्क कर रहे थे, तो दिन ढलते ढलते जो है उन्हें जो है सारी चीजों का जो है पता चल जाता था, कि द चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिस फॉर्च्यून इज, कि क्या दुर्भाग्य है जो है, मिस फॉर्च्यून है था हमारे साथ, की आंखों में पट्टी बांधी है और हम पूरे दिन जो है किसी के हेल्प लेके जो है वर्क कर रहे हैं। तो दिन ढलते ढलते दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, तो तब तक जो है उन्हें किस तरह से जो है पता चल जाता था कि किस तरह से दुर्भाग्य क्या होता है, व्हाट इज मिसफॉर्च्यून, कि क्या हुआ है मिसफॉर्च्यून। तो यही जो है प्रैक्टिस जो है वो उनको देते थे कि अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हाउ टू फेस इट। तो यहाँ पे जो है जिस बच्चे के भी पट्टी बांध दी जाती थी तो वो उसको जो है दिन ढलते ढलते जो है पता चल जाता था कि दुर्भाग्य क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्लाइंड डे है भाई, हमें तो सारा इतनी ब्यूटीफुल जो है हमारा प्लैनेट है, इतना ब्यूटीफुल सीन्स है और हम सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है, और अगर हमारे आंखों पे पट्टी बांध जाए तो वो कहते हैं इट इज रियली द वर्स्ट, सबसे खराब है ब्लाइंड डे। मिस बीम बता रही है कि सबसे खराब डे क्या है, ब्लाइंड डे। The blind day is of course really the worst. This is जो है सबसे खराब होता है, परंतु ठीक है, but परंतु क्या है, some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. अब क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे के तो dumb means गूंगा, अब जिस दिन बोलना नहीं पड़ता है तो वो कहते हैं जो dumb day है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, dumb day is the most difficult day. डमडे जो है बहुत जो है कैसा दिन है, खराब दिन है, सबसे खराब दिन है, डिफिकल्ट डे है, ठीक है, क्योंकि उस दिन क्या है उनको बोलना नहीं पड़ता, वी कैन नॉट बैंडेज, क्योंकि उस समय क्या होता है, कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि उन्हें अपने आप कंट्रोल करना है, क्योंकि बच्चे तो एकदम से बोलने लगते हैं ना, क्योंकि कोई भी आता है झट से जवाब दे दिया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पट्टी तो बांधते नहीं मुंह में, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने आप कंट्रोल करना पड़ता है। So they really have to exercise their will power. तो जो उनकी विल पावर होती है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको कंट्रोल करना पड़ता है। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो वो कहते हैं कि गार्डन में चलो और तुम खुद देखो कि बच्चे जो है किस तरह से उसको जो है महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से उन्होंने बताया कि जो लापरवाह थॉटलेस बच्चे होते हैं, केयरलेस बच्चे होते हैं, वो भी लास्ट तक जो है समझ जाते हैं कि कौन सा दुर्भाग्य है ये। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है कुछ बच्चे कहते हैं कि उनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ब्लाइंड डे इज द वर्स्ट डे, बट सम चिल्ड्रन क्या बोलते हैं कि कौन सा डे खराब है, रियली डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें पट्टी नहीं बांधते हैं मुंह में, और आंखों में तो पट्टी बांध दी तो देखेगा नहीं बच्चा, चीट नहीं करेगा, परंतु अगर मुंह में पट्टी बांधे तो तुम्हारी जो है विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अपने आप कंट्रोल करो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर में इच्छा शक्ति जो है कम, उसको क्या करना पड़ता है, रियली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें नहीं बोलना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और जो है वो कहते हैं उनको कि चलो कि गार्डन में चलते हैं और अपने आप देखो कि बच्चे How the children feel about it? कैसा feel करते? अब Miss Beam led me
टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स. अब यहाँ पे जैसे इसमें भी दिखाया है कि ऑथर को जो है वो कहाँ ले जाती है, मिस बीम एक लड़की के पास ले जाती है जिसकी आंखों में क्या है, बैंडेज है, पट्टी बंधी हुई है. हियर इज द जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक जो है जेंटलमैन आए हैं और वो जो है तुमसे क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. और वो वहां से जो है चली जाती हैं. कौन, मिस बीम. किस किस को छोड़ देती हैं, वो लड़की दैट गर्ल जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है एंड दैट जेंटलमैन मीन्स ऑथर. कि वो कहते हैं कि तुमसे जो है एक सज्जन जो है बात करने आए हैं और कहकर भी मिस बीम जो है वहां से चले गए. अब वो जो है ऑथर जो है उनसे पूछते हैं, डोंट यू एवर पीप. आई आस्क द गर्ल. अब ऑथर ने जो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है ना, सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी होती है, तो हमें लगता है अरे ये कहीं देख तो नहीं रहे बच्चे, ये बच्चे करते हैं ना. तो वो कह रहे कि क्या तुमने क्या है इसमें से पीप करा है. डोंट यू एवर पीप. कि कभी तुमने जो है पीप करा यहाँ से झांका. आई आस्क द गर्ल. ओह नो शी एक्सक्लेम. अब लड़की ने क्या बोला, द गर्ल सेड टू द ऑथर. That gentleman, gentleman को था author. Oh no, she exclaimed. That would be cheating. अब देखो बच्चों की honesty है. वो कह रही कि अगर मैं यहाँ से peep करूँगी, bandage जो मेरी आँखों में बंधा है, कि अगर मैं देखूँगी इससे, तो इसका मतलब क्या कर रही हूँ, मैं cheat कर रही हूँ, धोखा कर रही हूँ, चलाकी कर रही हूँ. Would be cheating. But I had no idea. It was so awful to be blind. अब जो है वो लड़की वहाँ पे क्या कहती है उनको, जब उन्होंने लड़की से पूछा क्या तुम जो है झांकने की कभी कोशिश की है, तो वो कहती है ओह नो. और वो जो है चिल्लाने लगती है, एक्सक्लेम करती है कि यह तो धोखा करना होगा, कि अगर मैं उसमें से पीप करूंगी तो इट मीन्स कि मैं चीटिंग कर रही हूँ. परंतु मुझे ये अंदाजा नहीं था कि दृष्टिहीन बनना जो है इतना ऑफुल है, इतना दुखदायी है. क्योंकि जब भाई उसके क्या है, उसकी तो टू आईज है, बट वो क्या बना रही है अपना क्या बना रही है, ब्लाइंड डे बना रही है. तो वो कह रही कि मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या है, इतना ऑफुल है, कि इतना ट्रबलसम है, ड्रावना है. ऑफुल मींस ट्रबलसम, कि इतना जो है ड्रावना है, कि ब्लाइंड बनना जो है. तो कौन बोलता है ये, वो लड़की बोलती है जिसके बैंडेज बनी थी. जब ऑथर उससे पूछते हैं तो वो कहती है दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया. कि मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इतना जो है पेनफुल होगा ब्लाइंड बनना. यू कांट सी अ थिंग, कि तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. और तुम्हें हमेशा जो है क्या लगेगा कि तुम किसी से टकरा जाओगे, किसी से जो है टकरा जाओगे. एवरी मोमेंट, हर क्षण जो है आपको यही डर लगे रहेगा. एवरी टाइम यू फील, क्या फील करोगे, कि तुम जो है किसी से हिट कर रहे हो. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और जब बैठते हैं तभी जो है थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है. अदरवाइज जब हम जो है इधर उधर जाते हैं तो हमें, क्योंकि हमें क्या होता है, वी कांट सी, कोई भी चीजें नहीं दिखाई देती, वी कांट सी अ थिंग. और हमेशा ये फील लगता है टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. और कब रिलीफ फील करते हैं, व्हेन वी सिट डाउन, जब हम नीचे बैठते हैं तभी हमें लगता है कि हाँ थोड़ा सा रिलीफ मिला है. आर योर हेल्पर्स kind to you. अब ऑथर बोलते हैं कि जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था प्रीवियसली, आई टोल्ड यू कि किस तरह से हेल्पर्स जो है उनको पूरे दिन जो है हेल्प करते हैं. तो वो बोलते हैं आर योर हेल्पर्स kind to you, कि जो है जितने तुम्हारे हेल्पर्स हैं क्या वो तुम्हारे तरफ जो है काइंड है, सहृदय हैं, पोलाइट हैं. ऑथर ने पूछा, किससे पूछा, दैट गर्ल. फेयरली बट we are not as careful as I shall be when it is my turn. तो वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो, कि fairly, but कि जब मेरा turn आता है, ठीक है, तो जितना मैं careful होती हूँ उतना वो नहीं होते हैं. बहुत से तो है, एक वो कह रही होते हैं, ठीक है, बहुत से होते हैं, परंतु उतना ध्यान नहीं रखते जितना कि मेरा turn आता है. I shall be careful when it is my turn, जब मेरी हेल्पर बनने की बारी आती है तो मैं ज्यादा केयरफुल रहती हूँ इन कंपैरिजन टू माय हेल्पर्स, कि जो मेरे हेल्प करते हैं उनके कंपैरिजन में मैं ज्यादा केयरफुल हूँ. इन माय ड्यूटी दोस दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. अब यहाँ पे जो है वो लड़की बोलती है कि जो ऑलरेडी क्या होते हैं,
those that have been blind already are the best. जो पहले बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं? दृष्टिहीन जो है, जो पहले blinds बन चुके हैं होते हैं, वो जो है क्या होते हैं? बेस्ट होते हैं, बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्यों बोला ऐसे? इसलिए बोला क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अगर ब्लाइंड बन के जो है हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो लड़की बोलती है कि जो ऑलरेडी जो है क्या बन चुके हैं, ब्लाइंड बन चुके हैं, दे आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह से जो है कि किस तरह से जो है कि हमें जो है फेस करना है। नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, शैल आई लीड योर एनी वेयर, आई आस्क। अब जो है वो यहाँ पे उनसे जो है क्या पूछते हैं कि चलो मैं तुम्हारी जो है हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से जो है कौन पूछता है? ऑथर पूछते हैं, किसे पूछते हैं? द गर्ल हु बैंडेज, जिसके आईज में जो है बैंडेज लगाया था, बैंडेज गर्ल से ऑथर जब पूछते हैं कि क्या तुम्हें फेल ही पड़ते हैं आर्नोट, कि जब वो उनसे पूछते हैं कि क्या जो है जो तुम्हारी हेल्प करते हैं क्या वो ज्यादा केयरफुल रहते हैं, तो वो कहते हैं नो, जब मेरी ड्यूटी आती है इन माय टर्न, तो मैं जो हूँ ज्यादा केयरफुल हूँ, मैं ज्यादा ध्यान रखती हूँ। परंतु उसने कहा कि जो लड़की, जो बच्चे जो है ऑलरेडी जो है ब्लाइंड बन चुके हैं, दे आर द बेस्ट हेल्पर्स। ठीक है, इट्स परफेक्टली जो है वो फिर क्या बोलती है? वो जो दृष्टि होना जो है बहुत बुरा होता है, गेस्टली नॉट टू सी बहुत बुरा होता है। आई विश यू विड ट्राई, कि मैं जो है विश करते मतलब करता हूँ कि तुम भी जो है इस तरह से ट्राई करो। शैल आई नीड, अब ऑथर कहते हैं कि क्या मैं जो है तुम्हारी क्या है हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, दृष्टिहीन होना जो है वो कहते हैं बहुत बुरा होता है, और मैं चाहती हूँ आप भी जो है एक बारी कोशिश करें। शैल आई लीड यू एनी वेयर, आई आस्क्ड। Now come to the next slide. अब जो है वो कहती oh yes she said, तो कहती ठीक है, she said let's go for a little walk, चलो हम जो है थोड़ा क्या करते हैं walk करते हैं। Only you must tell me about things, कि खाली तुम जो है हमें क्या बताओगे? You only tell me about things, आप जो है मुझे चीजों के बारे में बताओगे। ठीक है, कौन बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं जानकारी देते रहना होगा। आई शेल बी सो ग्लैड, अब ऑथर कह रहे हैं कि मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज पूरा दिन बीता तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज, ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से जो है ऑथर को लड़की ने बोला कि हमें कि चलो लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, हम थोड़ा जो है वॉक के लिए चलते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है किस पढ़ा था कि किस तरह से मिस बीम के स्कूल में जो है ऑथर ने जो है डिफरेंट जो है बच्चे जो थे ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, डम डे, जर डे मना रहे थे, तो उनसे बात करी और उनको जो है लग रहा था कि किस तरह से जो है आज उनकी नॉलेज जो है पहले से 10 times जो है मोर हो गई है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और अगर आपके इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।